दोस्तों एमपीपीएससी 2019 का हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और इसके बारे में कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आया था कि ये कब तक जो है एग्ज़ाम होगा। लेकिन इसके बारे में एक नया अपडेट निकल के सामने आया है, एमपीपीएससी 2019 जो कि लगभग 2019 समाप्त होने को आ रहा है। लेकिन यहाँ पर विभाग की तरफ से, लोक सेवा आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि जो विज्ञापन है वो दिसंबर में जारी किया जाएगा। तो इसके संबंध में जो न्यूज़ आ रही है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएससी के चेयरमैन जो है वो बोले हैं कि दिसंबर तक विज्ञापन निकालेंगे। पहले आचार संहिता दो बार लग गई थी, इसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है, उसके कारण जो है ये लेट हो गया। जीरो ईयर नहीं होने देंगे, यानी कि जीरो ईयर वो होता है जिसमें कि कोई भी परीक्षा एमबीपीएससी आयोजित नहीं कर पाता है। राज्य सेवा परीक्षा हर साल होनी है, तो जिस ईयर में नहीं हो पाती है उसको जीरो ईयर बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जीरो ईयर घोषित नहीं होने देंगे, ये कहा है चेयरमैन ने। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो ये देखिए 1351 पदों के लिए भर्ती और होनी है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये तो जो है कर्मचारी चयन आयोग के अधीन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो एमबीपीएससी जो है इसका जो मॉडल है अन्य स्टेट भी अपनाते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और कई सारे पदों पर यहाँ पर एमबीपीएससी में भी जो है एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए अच्छी खबर है कि दिसंबर तक ये 2019 के लिए एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो आप लोग लगातार अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिएगा। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।